Dear learner, welcome back to the Samarth Academy, one-stop e-learning platform for accounting, taxation, GST, TDS, Tally, RP9, etc. So, the topic is e-ledgers, GST challan, PMT09 and refund process. तो इस वीडियो में हम ई लेजर्स क्या होते हैं, जीएसटी चालान कैसे जनरेट करना है, PMT09 चालान का क्या इस्तेमाल होता है एंड वेरियस ऑप्शन अंडर रिफंड हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल के तौर पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी चालान, जिसे हम PMT06 चालान कहते हैं। तो हमने GSTR 3B रिटर्न में ऑलरेडी देख लिया है कि रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी है, और रिटर्न फाइलिंग के लिए जो पेमेंट आती है, यानी कि जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट कर देते हैं, उसके बाद जो बैलेंस पेएबल बचता है वो हमें विद द हेल्प ऑफ जीएसटी चालान पे करना होता है यूजिंग PMT06 चालान। तो PMT06 चालान हमें कैसे पे करना है, पोर्टल पे हम चालान कैसे पे कर सकते हैं, उसका एक हम यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट मूव करते हैं जीएसटी पोर्टल पे। तो जीएसटी पोर्टल में जितने भी टैब ऑप्शन है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैं वहां पे डायरेक्टली एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए सबसे पहले जीएसटी पोर्टल, हमने जीएसटी पोर्टल यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। ये जीएसटी पोर्टल का रिटर्न डैशबोर्ड पोर्टल है, इसको हम एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से धीरे धीरे और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले अगर आप पेमेंट करना है तो जीएसटी पोर्टल लॉगिन करने के बाद पेमेंट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है पे टैक्स, आप यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं, और एल्स यू कैन नेविगेट टू सर्विसेस पेमेंट। पेमेंट में ऑप्शंस आते हैं क्रिएट चालान हिस्ट्री, इंस्टॉलमेंट कैलेंडर, सेव चालान, एप्लीकेशन फॉर डेफर्ड पेमेंट, ग्रेवेनेंस अगेंस्ट पेमेंट। अगर पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम्स आती है, आपने कंप्लेन रेज किया तो यहाँ पे रेज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले सिंपल समझेंगे हमें चालान कैसे जनरेट करना है। तो क्रिएट चालान पे क्लिक करना है। क्रिएट चालान पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो टैब ऑप्शंस ऑन होगा, यानी कि मल्टीपल हेड्स में हमें यहाँ पे पेमेंट करने के ऑप्शंस दिए जाएंगे, क्रिएट चालान, सेव चालान, चालान हिस्ट्री। तो हम पहले सबसे पहले यहाँ पे चालान क्रिएट करते हैं। तो चालान क्रिएट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट हेड है, दैट इज टैक्स, जो हमारा टैक्स एक्चुअल टैक्स बनता है, अगर हम साथ साथ में कोई इंटरेस्ट अमाउंट पे कर रहे हैं, किसी तरह की कोई पेनल्टी अमाउंट है, किसी तरह का कोई लेट फीस है, या किसी तरह का अदर डिमांड, तो आपको रिस्पेक्टिव हेड में ही अमाउंट पे करना होगा। तो अर्लियर प्रोविजन में क्या होता था, लेट से अगर आप ₹100 का टैक्स अमाउंट CGST में पे करते हो, तो ये जो टैक्स अमाउंट ₹100 का आपका अमाउंट होता है, वो एक तरह से ई वॉलेट लेजर, यानी कि ई कैश लेजर में, जिस तरह से आप फोन पे वॉलेट यूज करते हो, पेटीएम वॉलेट यूज करते हो, तो पेटीएम वॉलेट में बैलेंस आके आपका बैलेंस एज इट इज पड़ा रहता है। उसी तरीके से जब आप कोई चालान जनरेट करते हो, तो उस चालान का पेमेंट किया हुआ अमाउंट आपके वॉलेट लेजर, यानी कि ई कैश बैलेंस लेजर में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वहां पे कौन से टैब में हेड करेगा, वो टैक्स हेड में। तो कहने का मतलब, अगर आपने ₹100 टैक्स हेड में पे किया, तो ₹100 का इस्तेमाल आप टैक्स की लायबिलिटी, दैट इज ऑफ CGST की लायबिलिटी अंडर टैक्स, आप नॉक ऑफ कर सकते हो, यानी कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो टैक्स का ही एडजस्ट होगा। ये पहले प्रोविजन में ऐसा था। तो ऐसे में क्या होता था, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग चालान लोगों से गलती होती थी, ₹100 के साथ साथ में वो ₹50 की पेनल्टी, ₹50 का फीस, यानी कि
वो अगर फीस के हेड में पेमेंट करना था तो गलती से वो पेनल्टी के हेड में पे कर देते थे। तो ऐसे केस में क्या होता था कि पेमेंट उनका अवेलेबल है लेकिन वो उससे अपना लेट फीस या फिर इंटरेस्ट नॉक ऑफ नहीं कर पाते थे, बिकॉज पेनल्टी का अमाउंट सिर्फ पेनल्टी के अगेंस्ट एडजस्ट होता था। फीस का जो वॉलेट बैलेंस है वो उस पर्टिकुलर के अगेंस्ट ही यूज हुआ होता था। बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने नया चालान, नया दैट इज अमेंडमेंट ऑफ चालान का ऑप्शन दिया हुआ। अमेंडमेंट ऑफ चालान कहने का मतलब करेक्शन, करेक्शन ऑफ चालान का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि हम अभी थोड़ी देर में उसको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग पेमेंट करते हैं। लेट से मैं 10 रुपया, मैं एग्जाम्पल के तौर पे 5 रुपए, और मैं 5 रुपए फीस के तौर पे, यहाँ पे फीस, ये CGST का हेड है, IGST में 1 रुपया, 1 रुपया फीस, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को 1 रुपए, 1 रुपए फीस, यानी कि मैं टोटल 14 रुपीज का चालान बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, दैट इज फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज। अब अगर आप चाहो तो मैं इसको भी 1 रुपए कर देता हूँ, सो दैट एक सिंपल कॉमन कॉन्सेप्ट के तौर पे टोटल हमने टैक्स में CGST का 1 रुपया, लेट फीस में 1 रुपया, IGST का भी सिमिलर, SGST का भी सिमिलर, ये अमाउंट हमने यहाँ पे चालान अभी तक फीड किया है। आप चाहो तो इस चालान को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अगर आप पेमेंट अभी नहीं करना चाहते हो, आप बाद में पेमेंट करना चाहते हो, तो आपने क्या किया, चालान को सेव कर दिया। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट चालान पे करना है तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है सेव चालान। यहाँ पे आपने जो चालान बनाया है उसका रेफरेंस नंबर, डेट एंड टाइम, पेमेंट अभी तक हमने सेलेक्ट नहीं किया है, और ये चालान जो है ना ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 4th of December यानी कि 15 दिन के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एडिट, एडिट किया चालान में जो आपने अमाउंट फिल रखा था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। अब आपको पेमेंट मोड होते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करने होते हैं। आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, ई पेमेंट, दैट इज आपका यहाँ पे ई पेमेंट, यानी कि अगर आप क्लिक करेंगे तो ई पेमेंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ओवर द काउंटर पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि चालान की कॉपी प्रिंट कीजिए, कैश बैंक अकाउंट में जाइए, वहां पे जाके ओवर द काउंटर पेमेंट कर सकते हैं। NEFT RTGS लेते हैं, तो आपको यहाँ पे आपका बैंक सेलेक्ट करना है। लेट से आपको बैंक, जो बैंक से आप पेमेंट करना चाहेंगे वो बैंक सेलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे HDFC बैंक लिया। जनरेट चालान, चालान की यहाँ पे CPIN नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, CPIN नंबर, डेट, एक्सपायरी डेट, यहाँ पे आपका GST नंबर, ईमेल आईडी कंपनी का, मोबाइल नंबर, एड्रेस, नाम, रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम, और यहाँ पे आपने मोड जो सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट कर देना, आपको यहाँ पे डाउनलोड, यहाँ पे दैट इज ये आपका चालान हो गया जनरेट NEFT RTGS के लिए। तो ये NEFT RTGS अब आपको लॉग इन करके वहां से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए आपके पास ऑप्शन ये है कि मैं वापस जाता हूँ, चालान सेव चालान में देखा था आपको मैं यहाँ पे। अब वो चालान क्या सेव चालान में आपका पड़ा रहेगा, नहीं, बिकॉज आपने उसको डाउनलोड कर लिया, अब आपको NEFT RTGS के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्ट ई पेमेंट करना है, यानी कि डायरेक्ट पेमेंट करना था, तो आपको यहाँ पे वापस चलते हैं पेमेंट के टैब में, क्रिएट चालान, क्रिएट चालान, मैंने वहां पे जो मोड ऑफ ऑप्शन दिखाया था वहां से अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू, यानी कि ओवर द काउंटर, NEFT RTGS, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक पेमेंट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा ई पेमेंट, क्लिक करना है जनरेट चालान, जनरेट चालान के बाद मुझे यहाँ पे टैब लेके आएगा आप किस बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं, प्रीफर्ड बैंक, यानी कि जो लास्ट टाइम आपने नॉर्मली जिस बैंक से पेमेंट करते हो, या फिर आप सेलेक्ट करना चाहोगे आप जिस बैंक से पेमेंट करना चाहोगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से HDFC बैंक सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये रहा HDFC बैंक, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेड, मेक्स पेमेंट यस, मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। नाउ मैं एक दैट इज बैंक के गेटवे पे रिडायरेक्ट हो रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है रिटेल यूजर। नाउ आई नीड टू एंटर माई दैट इज क्रेडेंशियल ऑफ नेट बैंकिंग, यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको लॉग इन कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे सेलेक्ट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट पेमेंट करने के लिए ऑप्शन, यहाँ पे रेफरेंस नंबर, CPIN नंबर, और इसको मैंने कर दिया कंफर्म। कंफर्म करने के बाद मेरे बैंक अकाउंट के मोबाइल पे एक OTP आती है, वो OTP मुझे करना है यहाँ पे एंटर।
तो मैं ओटीपी चेक कर लेता हूँ। लेट से यहाँ पे ओटीपी दैट इज ओके, ये मैंने एंटर कर दी ओटीपी। अब मैंने ओटीपी एंटर कर दी है, अब पेमेंट सक्सेसफुल। कभी कभी ये भी हो सकता है कि पेमेंट करने के बाद आपका बैंक से पैसा डिडक्ट हो जाता है, लेकिन आपका सक्सेसफुल होने के बाद भी आपका पेमेंट जो है ना आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं करता है। नाउ यहाँ पर हो गया, आप यहाँ से रिसीट इसकी डाउनलोड कर सकते हो। ये रहा रिसीट की कॉपी, आप उसको डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड करेंगे इस तरीके से, ये रिसीट की कॉपी आपकी डाउनलोड हो जाएगी। वापस चलते हैं पेमेंट में। तो आपने क्रिएट चालान देख लिया, सेव चालान देख लिया, चालान हिस्ट्री। अब आपने जो पेमेंट किया है उसकी कॉपी यहाँ पे दिख जाएगी। सी मैंने एक आपके एनईएफटी आरटीजीएस के लिए जो पेमेंट का चालान बना के रखा, डाउनलोड किया, लेकिन अभी तक वो पेड नहीं हुआ है। लेकिन एक जो मैंने डायरेक्टली ऑनलाइन लिंक यानी कि ई पेमेंट के ऑप्शन के थ्रू पे कर दिया, वो पेमेंट हो चुका है। तो आपने जितने भी चालान बनाए हैं आप उसको चाहो तो यहाँ पे डेट वाइज सर्च कर सकते हो, या फिर अगर चालान का रेफरेंस नंबर आपके पास है तो उस सीपीआई नंबर से भी यहाँ पे चालान सर्च कर सकते हो। अब जैसे ही मैंने ये चालान 6 रुपए का पेमेंट कर दिया, तो अब मैं डैशबोर्ड पे आपको जाके दिखाता हूँ। ये पेमेंट जो है मेरे कैश लेजर बैलेंस में यहाँ पर हिट हो जाता है, 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए। तो ये रहा पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ पर अमाउंट रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पेमेंट आपने किया, दैट इज जीएसटी में आप कोई भी पेमेंट करते हो, तो सबसे पहले आपके वॉलेट में यानी कि कैश लेजर बैलेंस में आके हिट होता है। तो पहले क्या होता था कि जब हम जीएसटी के पहले जो टैक्स होता था वहां पे स्पेसिफिक पीरियड के लिए रिटर्न के लिए पेमेंट करते थे, बट आज के टाइम जीएसटी में आप जो भी पेमेंट करोगे, आप जरूरी नहीं है कि वो अप्रैल के रिटर्न के लिए यूज करो, वो मई के रिटर्न के लिए पैसा यूज करो। आपने एज अ जनरल के तौर पे वॉलेट में पैसे डाल दिए हैं, वो पेमेंट आप कभी भी यूज कर सकते हो, या फिर आप वो पेमेंट किसी भी रिटर्न के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। ये हो गया अपना लेजर क्रिएशन एंड अलोंग विद चालान कैसे क्रिएट करते हैं, सेव चालान क्या है, एंड देन आफ्टर हम चालान हिस्ट्री कैसे चेक कर सकते हैं। मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। चालान के बाद आता है हमारा DRC 03 चालान। व्हाट इज DRC 03? सी DRC एक चालान होता है जो कि यूज होता है फॉर वॉलेंट्री पेमेंट। अब वॉलेंट्री पेमेंट क्या है, ये किस लिए यूज होता है, वो क्या पर्पस है, मैं इसका शॉर्ट में आपको समरी बताता हूँ। DRC 03 चालान, जैसे कि आप मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है 2021, आप 2020 एंड 21 में हो और आपका जीएसटी का ऑडिट स्टार्ट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और यू कैन से 2019 और 20, यानी कि 19-20 का या फिर 18-19 का आपका जीएसटी ऑडिट होता है। और उस ऑडिट में अगर किसी तरह की लायबिलिटी अराइज होती है अलोंग विथ इंटरेस्ट, या फिर आपने ऐसा कुछ विलफुल या फिर विदाउट विलफुल, विथ इंटेंशन और विदाउट इंटेंशन, आपने किसी तरह की कोई मिस्टेक की है, कहां कहीं पर आपने कोई शॉर्ट टैक्स पे किया या फिर कहीं पे एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है, तो ऐसे केसेस में जो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी, जो आपको एक्सेस आईटीसी था वो रिवर्स करना होता है, जो आपने टैक्सेस नहीं पे किए हैं वो आपको पे करना होता है, तो वो जो लायबिलिटीज होती है अंडर विद डिफरेंट सेक्शन या फिर डिफरेंट हेड के अंदर में अपने को पे करनी होती है, तो वो लायबिलिटी हम किसी पर्टिकुलर जीएसटी या 3B के रिटर्न में पे नहीं कर सकते हैं। वो लायबिलिटी हम जो पे करेंगे दैट विल विद द हेल्प ऑफ यूजिंग DRC 03 चालान, यानी कि ऐसे टैक्स लायबिलिटी जिस पे जो हमें पे करना है ड्यू टू एनुअल ऑडिट या फिर ड्यू टू एनी मिस्टेक्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेक्शंस, जहां पे हमसे कोई लायबिलिटी मिस हो गई है लेट्स से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की, तो वो लायबिलिटी हम यहाँ पे DRC 03 के चालान के थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि जरूरी कि पिछले साल का, इस साल का भी है, अगर आपको रियलाइज होता है कि ये मुझसे गलती हो गई, इसका मुझे इनपुट टैक्स नहीं मिलने वाला है, या फिर ये लायबिलिटी है जो कि मैंने शॉर्ट पे किया है, तो वो लायबिलिटी भी आप DRC 03 के चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो हमने जो अभी चालान देखा दैट वॉज PMT 06 चालान,
ये चालान का इस्तेमाल क्या होता है? ये चालान का इस्तेमाल होता है कि आपने जो अपना पैसा है, दैट फंड दैट यू होल्ड इन योर बैंक अकाउंट, दैट पर्टिकुलर फंड हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू कैश बैलेंस अकाउंट, यानी कि कैश वॉलेट लेजर ऑन जीएसटी पोर्टल। सो इट मींस इट इज क्लियर दैट कि आपने वो पैसा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया है, तो ट्रांसफर ही किया है, तो दैट मींस समझ लो एक तरह का ये आपका वॉलेट है, यहाँ पे पैसा आके पड़ा हुआ। अगर आप उसे उसे यूज करना चाहो किसी पर्टिकुलर लाइबिलिटी के लिए, चाहे जीएसटी या 3B की रिटर्न के लिए, तो आप यूज कर सकते हो। अगर नहीं यूज करना चाहो तो वो पैसा वापस आप विड्रॉ भी कर सकते हो। तो वो पैसा डीआरसी दैट इज कैश बैलेंस में जो पैसा पड़ा रहता है, वो पैसे से मैं जीएसटी या 3B की रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, या फिर मेरी ऐसी लाइबिलिटी जो मुझे मैंने कुछ मिस्टेक्स की वजह से या फिर एक्सेस आरटीसी की वजह से लाइबिलिटी मेरी अराइज होती है, तो वो पैसा मैं DRC 03 चालान में यूटिलाइज करके वो लाइबिलिटी को नॉक ऑफ कर सकता हूँ। कैसे नॉक ऑफ करेंगे? DRC 03 चालान होता कैसा, दिखता कैसा है, चलिए वो दिखाता हूँ आपको मैं। यही फंड अपने पास है, मैं इसी फंड का इस्तेमाल करूंगा फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। तो DRC 03 चालान जो है, आपको यहाँ पे जाना होगा डैशबोर्ड से सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, माय एप्लीकेशन, क्लिक किया आपने माय एप्लीकेशन, आपको सेलेक्ट करना है एप्लीकेशन टाइप, यहां पर ऑप्शन आएगा इंटीमेशन ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट, क्लिक करना है न्यू एप्लीकेशन। ये जब ऑडिट होगा तो उस टाइम पे आपसे क्वेरी पूछी जा सकती है कि प्लीज इतने रुपए का पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए नॉर्मल टैक्स पेमेंट आपने कर दिया तो वो तो कैश में आ गया, लेकिन कैश में आने के बाद लायबिलिटी को नॉक ऑफ करने के लिए आपको DRC 03 चालान रेज करना होता है। तो यहाँ पे इंटीमेशन ऑफ पेमेंट मेड वॉलेंट्री मेड अगेंस्ट शो कॉज नोटिस, अगर किसी तरह का नोटिस आया उसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हो, या फिर कॉज ऑफ पेमेंट आपको डिफाइन करना है वॉलेंट्री, शो कॉज नोटिस, वॉलेंट्री मतलब आपको रियलाइज हुआ कि यहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई थी तो वो मैंने गलती सुधारनी है तो मैं यहाँ पे पेमेंट करने के लिए, सो कॉज नोटिस यानी किसी तरह का नोटिस एंड डिमांड आया है, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न यानी कि आपका GSTR 9 या GSTR 9 से रिकन्सिलेशन हुआ, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको मालूम पड़ा कि मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट में मुझसे शॉर्ट टैक्स पेमेंट हो गया ड्यू टू सम XYZ रीजन या फिर कोई अदर स्पेसिफिक रीजन। ज्यादा करके ये एनुअल रिटर्न में ही लोग फाइल करते हैं, लेकिन मैं अगर वॉलेंट्री की बात करूं तो यहाँ पे आपको सेक्शंस होते हैं 73 एंड 74। 73 जो जनरली होता है आपका, देखा जाए तो यहाँ पे आपने कुछ विदाउट इंटेंशन यानी कि आपने कोई जानबूझ के नहीं बल्कि अनजाने में अगर कोई टैक्स आपने डिसबर्स नहीं किया या फिर पे नहीं किया है, तो ऐसे केसेस में आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है 73(5), लेकिन अगर आपने विद इंटेंशन टू फ्रॉड, इंटेंशन टू हायर, इंटेंशन टू नॉट टू पे, अगर आपने ऐसे केसेस में अगर आपने कोई शॉर्ट टैक्सेस पे नहीं किया या फिर एक्सेस आईटी से लिए, देन यू हैव टू सेलेक्ट 74(5), बट प्लीज मेक श्योर कि आपको ये सेलेक्ट ना करना पड़े। तो ये तो वॉलेंट्री के हो गए, एंड अदर सेक्शन भी हैं जिसको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो, हर एक सेक्शन का अलग अलग पर्पज है। मैं बेसिकली जो जनरली यूज होता है मैं उसकी बात करूंगा। लेट से एनुअल रिटर्न, तो एनुअल रिटर्न यानी कि GSTR 9 में रिटर्न फाइलिंग में आपको सेलेक्ट करना है अंडर 73(5), यानी कि आपसे मिस्टेक हुई थी तो वो मिस्टेक्स ही यहाँ पर है। फाइनेंशियल ईयर लेट से मैं बोलता हूँ कि 19-20 का मेरा कुछ टैक्स अमाउंट था जो मुझसे मिस हो गया है। ओवरऑल टैक्स पीरियड अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2020 टैक्स पीरियड अप्रैल 2019 टू मार्च 2020, मुझे पेमेंट क्या करना है? CGST पेमेंट करना है, ठीक है। CGST में प्लेस ऑफ सप्लाई की जरूरत नहीं है, बिकॉज CGST मतलब सेंट्रल गुड्स, अपना सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, तो CGST के साथ तो डेफिनेटली SGST होगा। तो एक रुपये अमाउंट वन एग्जांपल डाल दिया, अगर कुछ इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, पेनल्टी है तो पेनल्टी, लेट फीस है तो लेट फीस। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे पेनल्टी ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया ये 1 रुपया। याद रखना हम लोगों ने जो 1 रुपया जमा किया था वो टैक्स में था 1 रुपया और दूसरा था फीस में, लेकिन यहाँ पे फीस का टैब नहीं आता है तो ये पेनल्टी के टैब में मैं एग्जाम्पल के तौर पर यूज करूँ। तो क्या फीस का अमाउंट मैं पेनल्टी में यूज कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल यूज नहीं कर सकता हूँ। तो उसको एडजस्ट कैसे करेंगे वो हम अब थोड़ी देर में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब मैंने ये ऐड कर लिया,
दूसरी लायबिलिटी क्या हो सकती है आपकी, दूसरी लायबिलिटी हो सकती है लेट से SGST की, तो दूसरी लायबिलिटी मैंने सेलेक्ट कर लिया SGST, ये मेरा SGST हो गया। इस केस में मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, 1 रुपीज ऐड किया। और तीसरी लायबिलिटी जो सबसे हेडेक वाला काम है, अगर IGST की लायबिलिटी अराइज होती है तो ये प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज IGST के केस में आपको डिटेल में डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, बिकॉज जब तक प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन नहीं करोगे तो रिस्पेक्टिव स्टेट को पैसा जो पोर्शन ऑफ द अमाउंट IGST में बनता है वो पर्टिकुलर स्टेट को नहीं जाएगा। तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हाइड है, दैट इज सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे ही मैंने IGST सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमें प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करना हो जाता है। लेट से मैं प्लेस ऑफ सप्लाई लेता हूँ आंध्र प्रदेश फॉर एग्जाम्पल, और मैंने 1 रुपया अमाउंट डाल दिया टैक्स में, एंड इंटरेस्ट में मैं कुछ सेव नहीं करता हूँ, और ये मैंने कर दिया सेव। अब ये इंफॉर्मेशन आपकी हो गई है सेव। अब आपको ये पेमेंट जो आपने लायबिलिटी यहाँ पे डिक्लेयर की है कि मुझे इतने इतने रुपए का टैक्स अमाउंट बनता है, ऐसे अगर आपका IGST 100 रुपए है और 100 रुपए में से 10 रुपए सिर्फ आंध्र प्रदेश का है, तो बाकी 90 रुपए कहाँ कहाँ है, वन बाय वन आपको यहाँ पे नीचे डिटेल में लिखना पड़ेगा, यानी कि IGST का आपका ब्रेकअप देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर करना है आपको प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे करने के बाद आपकी लायबिलिटी जो आपने डिक्लेयर की है IGST में 1 रुपए, CGST में SGST में 1 रुपए, पेनल्टी के तौर पे आपने 0.00 IGST में 1 रुपए, CGST SGST में डिफाइन किया, ठीक है। कैश बैलेंस में आपके पास पड़ा हुआ है 1 रुपए टैक्स अमाउंट सबके अंदर में, पेनल्टी में कोई बैलेंसेस नहीं है, फीस के अंदर बैलेंसेस पड़ा हुआ है 1 रुपए का। तो ये जो कैश बैलेंस है, तो ये जो DRC 03 की जो लायबिलिटी बनती है, लायबिलिटी है, आप इसको या तो कैश के थ्रू एडजस्ट कर सकते हो, कैश बैलेंस में जो बैलेंस पड़ा हुआ नहीं है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, या फिर इसी अमाउंट को आप क्रेडिट लेजर से भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस जो है आपके पास है उससे भी आप यूज कर सकते हो, यानी कि कैश पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, अगर होता तो उससे मैं कितना रुपया पे कर सकता, IGST की लायबिलिटी कितनी है टैक्स की 1 रुपए, तो मैं यहाँ पे 1 रुपए पे करता। अगर CGST SGST तो मैं सिर्फ और सिर्फ ITC से, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो बैलेंसेस पड़े होंगे उनसे मैं जो ये CGST SGST की जो लायबिलिटी है उसमें से, लायबिलिटी देखो दो तरीके की है, एक तो टैक्स का है, एक दूसरा लेट फीस का या पेनल्टी का है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल टैक्स को ही एडजस्ट कर सकता था, लेट फीस का जो अमाउंट है वो या फिर पेनल्टी का जो अमाउंट है वो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट से कभी एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ। हालांकि मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है, मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि आपके पास कोई बैलेंस यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे IGST का ITC में। मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ, अगर होगा तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, बिल्कुल एंटर कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कैश बैलेंस है तो यहाँ पे देखो आपको एडिशनल कैश रिक्वायर्ड कितना दिखा रहा है, 1-1 रुपया, बिकॉज आपके पास कैश बैलेंस है, आपको यहाँ पे एंटर करना होगा IGST में कैश बैलेंस 1 रुपया तो उससे पे करूंगा, CGST भी 1 रुपया उससे पे करूंगा, ये मैंने पे कर दिया, तो क्या मुझे एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल नहीं रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी भी पेनल्टी के अंदर मुझे 1-1 रुपये की रिक्वायरमेंट है, जबकि मैं पेनल्टी के अंदर जाऊँ तो मेरे पास कोई बैलेंसेस यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। अब जब अवेलेबल नहीं है कोई भी कैश बैलेंसेस, तो क्या मैं यहाँ से पेनल्टी 1 रुपये 1 रुपये पे कर सकता हूँ, नहीं पे कर सकता हूँ। तो ऐसे केसेस में लोग सवाल करते हैं, यहाँ पे पेनल्टी के बदले आपके पास फीस में पैसा है, तो क्या ये फीस में नहीं दे सकते हो आप, मैं फीस का पैसा यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज फीस में मैंने कोई लाइबिलिटी डिक्लेयर नहीं की है। तो कहने का मतलब ये हो गया, तो क्या ये पैसा मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूँ, बिल्कुल ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, मुझे जाके बाहर से एक नया चालान रेज करना पड़ेगा ट्रांसफर करने के लिए, वो कौन सा चालान है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे पेनल्टी में मेरे पास पैसा नहीं था तो मुझे पे करना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है, मैं मेरे पास पैसा नहीं है तो यहाँ पे मैं एंटर भी कर दूंगा पेड थ्रू कैश तो मुझे एरर दिखाएगा, और मैं यहाँ पे लेट से आई हियर बाय डिक्लेयर पार्टी का नाम सेलेक्ट किया, लोकेशन सेलेक्ट किया, और मैं इसको सेव करने जाऊंगा, लेट से मैं इसको क्रिएट करता हूँ, अमाउंट टू बी पेड कैन नॉट बी मोर देन बैलेंस इन कैश बैलेंस। देखा आपने, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे मेरे पास लाइबिलिटी 1 रुपए दैट इज पेनल्टी में है ही नहीं कैश बैलेंस, और लाइबिलिटी 1-1 रुपए है, तो कहाँ से पेमेंट करोगे आप, नहीं कर सकते हो पेमेंट। पेमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो
तो अब जब पेमेंट ही नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे आप? ऑब्वियस बात हो, आपको क्या करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली में जाके, सॉरी गेटवे ऑफ जीएसटी पोर्टल यानी कि डैशबोर्ड पे जाके आपको वहां पे 1-1 रुपया पेनल्टी के हेड में ऐड करने हैं। तो मैं यहां से बाहर आता हूँ, मैं पूरा बाहर आ जाता हूँ, तो क्या ये पूरा ऑमिट हो जाएगा? नहीं, ऑमिट नहीं होगा, ये सेव पड़ा रहेगा। मैं पूरा बाहर आ गया। अब मैं आपको ये जो कैश लेजर बैलेंस है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। मैं जस्ट एक छोटे से समरी के तौर पे, सर्विसेज लेजर, कैश लेजर, तीन लेजर होते हैं आपके पास बेसिकली, कैश लेजर, लायबिलिटी लेजर, क्रेडिट लेजर। सबसे पहले हम कैश लेजर की बात समझेंगे, फिर बाद में हम क्रेडिट एंड लायबिलिटी लेजर को समझेंगे। मैं कैश लेजर में जाता हूं, तो मेरे पास टोटल 6 रुपए का बैलेंस है यहाँ पे। 6 रुपए के बैलेंस को यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो ये एक समरी ओपन आएगी कि आपके पास आईजीएसटी के टैक्स हेड में 1 रुपया है, फीस के कॉलम में 1 रुपया है, आपके पास सीजीएसटी का फीस सिमिलरली, लेकिन आपको जो लायबिलिटी पे करनी है वो सीजीएसटी एसजीएसटी की पेनल्टी में पे करनी है। तो क्या पेनल्टी में कोई 1 रुपया है आपके पास? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या इस 1 रुपए को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ? कर सकते हैं। कहने का मतलब हो गया, आप अगर आपके पास एक्सेस फंड पड़ा हुआ किसी दूसरे फंड में, या फिर आपको पैसे डालने चाहिए थे पेनल्टी वाले टैब में और मैंने गलती से वो फीस वाले टैब में डाल दिए, तो क्या वो फीस अमाउंट को वापस से मैं पेनल्टी में ट्रांसफर कर सकता हूँ विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट एक फर्दर? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो ये जो देखो, अब हम यहाँ पे लाइव देखने वाले हैं कि मैं यहाँ से जो फीस का अमाउंट है वो मैं पेनल्टी में कैसे शिफ्ट करूंगा। तो कहने का मतलब ये कहीं का भी अमाउंट कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। इवन मैं ये टैक्स का अमाउंट चाहूँ तो इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फीस में, अदर्स भी कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो क्या खाली एक सेंट्रल के अंदर ही ट्रांसफर होगा, यानी कि सेंट्रल के अंदर ही कहीं भी ट्रांसफर होगा? नहीं, अगर ये पैसा चाहूँ तो मैं सेंट्रल का पैसा मैं आईजीएसटी की फीस में ट्रांसफर कर सकता हूँ, ये चाहूँ तो एसजीएसटी के टैक्स में ट्रांसफर कर सकता हूँ। यानी कि ये पैसा जो मेरे पास है मुझे पूरा ऑप्शन है कि इतने सारे लिस्ट में से कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो चलिए हम ट्रांसफर करके देखते हैं कि ये पैसा ट्रांसफर कैसे होगा, यानी कि इस फीस के अमाउंट को मैं पेनल्टी में ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमें चालान, एक न्यू चालान, दैट इज जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ चालान हुआ है, दैट इज कॉल्ड PMT09 चालान, उस चालान का इस्तेमाल करना है। तो PMT09 चालान आपको कहाँ मिलेगा? ये आपका डैशबोर्ड है, यहां से सर्विसेज लेजर, कैश लेजर। कैश लेजर में जाने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा फाइल जीएसटी PMT09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड। क्लिक किया मैंने, यहां पर ऑप्शन है कि आपके पास कितना फंड अवेलेबल है, टैक्स के टैब में CGST 1, टैक्स फीस के टैब में CGST 1, मुझे ये अमाउंट CGST का जो फीस में दिख रहा है मुझे पेनल्टी में ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर कैसे कर सकते हो? आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ये ऑप्शन दिया है ट्रांसफर का टैब, ये है ट्रांसफर का टैब, मेजर हेड यानी कि पैसा कहां से ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम, आई विश टू ट्रांसफर द फंड फ्रॉम CGST हेड दैट इज अवेलेबल अंडर द हेड ऑफ फीस, 1 रुपया जो ये अवेलेबल है, आई वॉन्ट टू ट्रांसफर इट CGST अंडर द हेड ऑफ पेनल्टी 1 रुपए। फीस में वापस ट्रांसफर नहीं कर, बिकॉज यहाँ पे देखो हाईलाइटेड नहीं होगा, बट अपार्ट फ्रॉम फीस में कहीं पे भी ये रुपया ट्रांसफर कर सकता हूँ। मैंने क्लिक किया सेव, यस ये मैंने सेव कर दिया। सिमिलरली आई कैन सेलेक्ट नाउ SGST का फीस जो मेरे पास पड़ा हुआ है, लेट से 1 रुपीज, आई विश टू ट्रांसफर इट टू, मैं कहीं भी ट्रांसफर करना चाहूँ, चाहे IGST में कहीं भी ट्रांसफर कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं SGST के टैब में अंडर द हेड ऑफ पेनल्टी मुझे वो ट्रांसफर करना है। इसको भी मैंने कर दिया सेव। तो अब मेरे पास दो चीजें हैं, CGST के फीस से पैसा निकाल के मुझे CGST के पेनल्टी में ट्रांसफर करनी है। नाउ क्लिक ऑन प्रोसीड टू फाइल, प्रोसीड टू फाइल में क्लिक करना है, आई हियर बाय डिक्लेयर, इस पार्टी को यहाँ पे OTP जाएगा, दैट इज सबमिट करके दिखाता हूँ मैं फाइल GST PMT09 चालान, यस। ये जाने के बाद मुझे इसको सबमिट करना है विथ DSC और EBC, मैं EBC यानी कि OTP के थ्रू सबमिट करता हूँ, वुड यू लाइक टू सबमिट, यस प्रोसीड। अब ये इसका OTP जो है रिस्पेक्टिव
डीलर यानी कि जिसका लॉगिन आईडी यहाँ पे मैंने लिया हुआ है उस पार्टी को ओटीपी क्या रहेगा। तो ओटीपी लेके यहाँ पे एंटर करें। चलिए ओटीपी एंटर करते हैं। यहाँ पे लेके ओटीपी हमें मिल चुकी है। यहाँ पे ओटीपी एंटर करते हैं। होप सो ओटीपी राइट होनी चाहिए। वेरीफाई सक्सेसफुल, ये आपका दैट इज फाइलिंग सक्सेसफुल दैट इज ऑफ PMT09 चालान। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया है। ओके करने के बाद सी आपके कैश बैलेंस पे कोई हिट नहीं हुआ, आपका बैलेंस 6 रुपीज का 6 रुपीज ही रहता है, बट जो टैक्स अमाउंट आपने एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर किया है वो हो जाता है। सी यहाँ पे देख सकते हो जो आपका फीस के अंडर में बैलेंसेस था वो आप शिफ्ट हो चुका है किसमें, पेनाल्टी के हेड में। ये भी पेनाल्टी के हेड में मैंने IGST के फंड को ट्रांसफर किया था, नहीं किया था, बट CGST और SGST को किया था तो वो रिस्पेक्टिव हेड में अब ट्रांसफर हो चुके हैं। तो सिमिलरली PMT09 चालान जो है, अगर आपने कोई मिस्टेक दैट इज कोई रॉन्ग चालान जनरेट कर दिया है, या फिर आपने कोई रॉन्ग हेड में टैक्स अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है, या फिर आपके पास कोई फंड अवेलेबल है जिसका इस्तेमाल आप ये टैक्स को डिसबर्स करने में लाना चाहते हो, तो आप PMT09 थ्रू के चालान आप अमाउंट ट्रांसफर करके यूज कर सकते हो। अब ये तो हमारा हो गया PMT09। यहीं से हम व्यू फाइल GST PMT09 भी देख सकते हैं कि हमने कितने अभी तक PMT फाइलिंग की हुई है। सर्च बाय डेट, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आज का ही डेट ले लेता हूँ, आज ही हमने एक फाइल किया अभी, तो यहाँ पे मैं जितने भी फाइलिंग की रहेगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, 2 रुपए का फाइलिंग किया है। अब इसको ओपन करके देखना चाहो तो बिल्कुल देख सकते हो कि आपने कहाँ से फंड कहाँ पर ट्रांसफर किया है। अब हम वापस चलते हैं अपने DRC 03 चालान पे। तो DRC 03 चालान जो हमने रेस किया था, क्या वापस रेस करना पड़ेगा? नहीं। सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, इस बार आपको माई एप्लीकेशन में नहीं बल्कि आपको जाना है माई सेव्ड एप्लीकेशन। माई सेव्ड एप्लीकेशन में गया तो यहां पर आपका देखो DRC 03 जो चालान था आपने यहाँ पे सेव कर रखा है। एक्सपायरी डेट अभी तक आई नहीं है, एक्सपायर्ड हुआ नहीं है, एडिट करना है। ऑप्शन सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं, सारे के साथ जो डिटेल आपने फिल रखी थी, अभी हमें प्रोसीड टू पे करना है। अब प्रोसीड टू पे करने के बाद हमारा जो फंड है फीस के अंदर में जो IGST का पड़ा हुआ है, लेकिन अब CGST का अमाउंट देखो पेनल्टी में आ चुका है, तो ये अमाउंट हमें यहाँ पे IGST का हमें टैक्स पे करना है 1 रुपया। IGST का कोई लेट फी या पेनल्टी नहीं है, CGST का 1 रुपया, पेनल्टी 1 रुपया, 1 रुपया और 1 रुपया। मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। तो हमें एडिशनल कैश रिक्वायर्ड है? बिल्कुल नहीं रिक्वायर्ड है। सेलेक्ट करना आई हियर बाय डिक्लेयर नेम प्लेस, मैं यहाँ पे फाइल कर दूं, हालांकि मेरा कोई पर्पस नहीं फाइल करने का, लेकिन मैं यहाँ पे फाइल करना चाहता हूँ। ओके मैं फाइल कर देता हूँ इसको। मैं सबमिट विथ EVC या फिर DSC, डिजिटल सिग्नेचर अगर आपके पास है तो, और एल्स यहाँ पे मैं EVC यानी कि OTP के थ्रू सबमिट कर रहा हूँ। चलिए मैं इसको सबमिट करता हूँ, इसका OTP। हालांकि कोई पर्पस नहीं है, मैं विदाउट पर्पस यहाँ पे DRC 03 चालान रेज कर रहा हूँ। एक बार मैंने ये पेमेंट कर दिया तो ये पैसा यूटिलाइज हो जाएगा, उसका वापस पैसा मैं रिफंड के तौर पे क्लेम नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए OTP देखते हैं, इसका भी अगर OTP मिल जाएगा तो वेल एंड गुड, यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे मैं OTP एंटर करता हूँ। ओके वेरीफाई योर ARN हैज बीन जनरेटेड, आपका DRC 03 चालान हो गया जनरेट। क्लिक हियर टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन दैट इज DRC 03 चालान। ये चालान की कॉपी जो है नॉर्मल चालान से कुछ अलग दिखती है। यहाँ पे आप जाके DRC 03 चालान आप देख सकते हो। ये मैंने डाउनलोड जो किया, ये मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके उसका प्रीव्यू शो करता हूँ। सो DRC 03 चालान आपको आपके अगर एनुअल रिटर्न फाइलिंग के लिए अगर आपने पेमेंट किया है तो ये चालान आपको आपके ऑडिटर आपके CA को सबमिट करनी पड़ेगी, सो दैट इसका चालान का रेफरेंस जो है वो अपने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यानी कि GSTR 9C में शो करेंगे कि ये जो लायबिलिटी अराइज हो रही है वो आपने DRC 03 के थ्रू पे कर दिया है।
हालांकि ये अमाउंट मैंने एक डमी के तौर पे पे किया है, तो ये अमाउंट मेरा अब जा चुका है, यानी कि ये 5 रुपये वापस आने वाले नहीं है। ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, यहाँ पे कॉज ऑफ पेमेंट एनुअल रिटर्न, हालांकि एनुअल रिटर्न तो यहाँ पे पेमेंट किया नहीं, एनुअल रिटर्न यहाँ पे हुआ ही नहीं है, बिकॉज इस केस में एनुअल रिटर्न अप्लीकेबल नहीं है। ये आपका हो गया सिग्नेचर डन, ये आपको सेव कर लेना है, सबमिट करने के बाद आपका काम यहाँ पे खत्म। तो ये हो गया अपना DRC 03 चालान। साथ साथ में हमने देखा PMT 09 चालान का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब आप अपना डैशबोर्ड अगर आप देख सकते हो, तो डैशबोर्ड में सिर्फ आपके पास अब 1 रुपया बचा है, दैट इज टोटल 6 रुपीज में मैंने 5 रुपीज का जो लाइबिलिटी है वो पे कर लिया, यूज कर लिया कहाँ पे, DRC 03 के लिए। अब मैं अगर कैश बैलेंस को देखना चाहूँ, तो कैश बैलेंस में मेरे पास 1 ही रुपया बचा है, दैट इज एंटर करता हूँ तो ये IGST के हेड में होगा, अंडर द हेड ऑफ फीस, 1 रुपया मेरा फीस के तौर पे यहाँ पे बैलेंस पड़ा हुआ है। तो हमने दोनों चीजें कवर कर ली साथ साथ में, DRC 03 एंड PMT 09 चालान। अब अगला अगर मूव करें तो अगला जो टॉपिक है वो अपना क्या है, ई कैश लेजर। ई कैश लेजर क्या होता है वो तो हमने देखा, लेकिन साथ साथ में आपको एक एडिशनल पॉइंट बताते चलो कि ई कैश लेजर व्यू करने के लिए और भी डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे 3 लेजर हैं, ई कैश लेजर, लायबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आपने यहाँ पे ये फॉर्मेट देखा, ये समरी है कि कैश बैलेंस एज ऑन द डेट आपके पास कितना पड़ा हुआ है और किस हेड में कितना रुपया है, जिसका भी इस्तेमाल आप आगे फ्यूचर की लायबिलिटी के लिए यूज कर सकते हो, या फिर अगर एक्सेस पेमेंट हुआ है तो वो अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। तो ये तो होने के साथ साथ यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये एक लेजर समरी होती है जहां पे आपको समरी मिल जाती है कि फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम आपके पास क्या क्या बैलेंस था और कितना बैलेंस आया, कितना बैलेंस गया। तो मैं जैसे कि मैंने किसी पीरियड को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये मेरा जो है लेजर कैश लेजर बैलेंसेस है। इसको मैं एज अ सेव एज PDF एक्सेल के तौर पे डाउनलोड कर सकता हूँ। मैंने पीरियड लिया है 1 अक्टूबर से लेके 27th of November। ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस अगर देखूँ तो मेरे पास कैश में ओपनिंग बैलेंसेस कुछ नहीं था, सारे के सारे जीरो थे, तो सारे के सारे 0 रुपीज थे। 27th November को दोपहर के 3:16 पे मैंने पैसा क्या किया, यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट किया है, राइट, यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट किया है। तो ₹2 IGST, ₹2 CGST, ₹2 SGST। अगर आप यहीं पे क्लिक करके देखना चाहो तो ₹1 आपने टैक्स डिपॉजिट किया, आपने ₹1 फीस के तौर पे डिपॉजिट किया। तो अब आपके पास उस दिन उसके ट्रांजेक्शन के बाद आपके पास सारे हेड में ₹2 का बैलेंस पड़ जाता है एक्सेप्ट सेस, तो टोटल ₹6 का आपके पास बैलेंस है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद आपने डेबिट किया है, दैट इज आपने फंड ट्रांसफर किया। देखो यहाँ पे डेबिट भी हुआ उतना ही अमाउंट क्रेडिट हुआ है। तो डेबिट और क्रेडिट ये उसलिए हुआ बिकॉज आपने कौन सा चालान यूज किया, PMT 09। तो आपने क्या किया, देखो यहाँ पे उतना ही डेबिट उतना ही क्रेडिट, तो अल्टीमेट कुछ इफेक्ट पड़ा आपके बैलेंस पे नहीं। यहाँ पे आपका डेबिट यानी कि कहाँ से पैसा निकला रहेगा, फीस से पैसा निकला। क्रेडिट कहाँ पर हुआ, वो पेनल्टी में क्रेडिट हुआ, दैट मीन्स आपने जो PMT 09 चालान यूज किया तो उससे इम्पैक्ट ये हुआ कि यहाँ से पैसा ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ गया। आपके पास अल्टीमेट बैलेंस तो उतना ही बचा, और फिर साथ साथ में फिर अब क्या किया आपने, DRC 03 का पेमेंट किया, दैट इज वॉलेंट्री पेमेंट, जिसमें से आपने टोटल 5 रुपये पेमेंट किए। ₹1 IGST का टैक्स पे किया आपने, ₹2 CGST जिसमें से ₹1 टैक्स, ₹1 पेनाल्टी। सिमिलरली आपका SGST ₹1 टैक्स, ₹1 पेनाल्टी के तौर पे आपने पे किया है। तो ये आपका हो गया आपके अकाउंट से डेबिट, बिकॉज ये डेबिट हो गया माइनस हो गया आपके। अब आपके पास पहले से बचा ₹6 -5=₹1 का आपके पास बैलेंस, जो कि आपका कैश लेजर बैलेंस शो कर रहा है। तो ये बैलेंसेस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज करते हो वो मैच होना चाहिए। यहाँ पे आपका आ जाता है नेक्स्ट पेज में क्लोजिंग बैलेंसेस। क्लोजिंग बैलेंस में आपके पास ₹1 अंडर हेड ऑफ IGST बचा हुआ है। तो आपने जो रिटर्न फाइलिंग में जहां जहां पे भी आपने ये पैसा यूज किया रहेगा वहां पे दिखेगा, हालांकि यहाँ पे ये स्पेसिफिकली नहीं दिखा रहेगा कि आपने कौन से रिटर्न के लिए फाइलिंग के लिए पैसा यूज किया है। आप इसको ही PDF में और एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कैश लेजर। सिमिलर वे आपका क्रेडिट लेजर भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। मैं क्रेडिट लेजर यहाँ पे क्लिक करता हूँ,
तो क्रेडिट लेजर में आपके पास आईटीसी कैश बैलेंस जीरो, जैसे कैश लेजर बैलेंस में देखा था आपने, नहीं है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंसेस कितना है, प्रोविजनल कितना क्रेडिट मिला हुआ है, ब्लॉक क्रेडिट कितना है आपके पास, हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंसेस कितने हैं। क्लिक करना है आपको, लेट से मैं कोई पीरियड सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं एक पीरियड लेता हूँ 1 मई 2020 से लेके 30 जून 2020, ये मैंने सिलेक्ट किया। तो इस पीरियड ऑफ टाइम के मैंने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं किया, कोई भी रिटर्न फाइल नहीं किया। तो लेट से मैं इसको 1 अप्रैल से 30 जून करता हूँ, तो भी कोई रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि ड्यू टू लॉकडाउन लोगों ने फाइलिंग नहीं की हो। जुलाई से 31st ऑफ अगस्त इस पीरियड में, हाँ बिल्कुल इस पीरियड में फाइल हुआ है। इस पीरियड में जनवरी की टैक्स फाइलिंग हुई है, फरवरी की टैक्स फाइलिंग हुई है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज बिफोर फाइलिंग जनवरी 2020 रिटर्न, आपके पास कोई भी ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के नहीं थे। आपका क्रेडिट हुआ यानी कि आपका पैसा क्रेडिट बैलेंसेस बढ़ा क्यों, बिकॉज आपको जनवरी 2020 में आपने जीएसटीआर 3B के रिटर्न में इतने रुपए का इनपुट टैक्स जो है आपने वो दिखाया, आईजीएसटी में 1500 का, सीजीएसटी में 10,000 का, 10,000 का टोटल आपने 21,000 रुपए का आईटीसी दिखाया। तो 21,000 रुपए की जो आईटीसी थी वो आपने एट द सेम टाइम आपने जो है इसको यूज कर लिया, डेबिट कर दिया। डेबिट क्यों किया, बिकॉज आपने जनवरी 2020 की आपने क्या की, लायबिलिटी एडजस्ट कर ली अदर देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उतना पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लिया, इसका मतलब लायबिलिटी उस महीने की ज्यादा रही होगी। तो फिर से क्या हो गया आपका क्रेडिट बैलेंस जीरो। सिमिलरली फरवरी का पैसा आया, फरवरी का यूज किया, मार्च में अप्रैल में जून तक आपकी रिटर्न फाइलिंग होने के बाद आपके सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंसेस एज ऑन द डेट ऑफ जीरो है। तो ये भी सिमिलर वे से, जैसे कैश में क्या होता है कि आपने जो बैंक में जमा किया वो पैसा अमाउंट डिपॉजिटेड, लेकिन यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट नहीं होता है बल्कि आपके रिटर्न में जो आप 3B में जो क्रेडिट दिखाते हो वो वहां पे क्रेडिट होता है, आप फिर लायबिलिटी उसे एडजस्ट करते हो, वो आपका क्या हो जाता है डेबिट। नेक्स्ट लेजर आता है यहाँ पे लायबिलिटी लेजर। तो लायबिलिटी लेजर यानी कि सिमिलर जैसे आपने आईटीसी दिखाया उसी तरह से आपने उस महीने लायबिलिटी कितनी पे की, उसकी लायबिलिटी क्या बनी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लायबिलिटी लेता हूँ 2020-21 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल की लायबिलिटी कितनी थी, अप्रैल की लायबिलिटी मेरी थी यहाँ पे 900 6938 6938 टोटल। उसको मैंने रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी कितनी थी, रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी जीरो थी। आपने कैश कितना यूटिलाइज किया, कितना कैश है पैसा, यानी कि जो लायबिलिटी है आपने, लायबिलिटी आपकी बन रही है 900 रुपये की आईजीएसटी की लायबिलिटी है। आप इसमें क्लिक करके आप देखना चाहो तो किस हेड में कितना पैसा, दैट इज फीस में कितनी लायबिलिटी थी आपका, इंटरेस्ट में कितना था, टैक्स में कितना था, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। और इस लायबिलिटी दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ आपका जो टैक्स लायबिलिटी है, उस टैक्स लायबिलिटी को आपने कैसे यूज किया, कैश से आपने 4248 पे किया जिसमें आपका टैक्स अमाउंट होगा प्लस लेट फीस होगा, और जो बैलेंस रहा होगा उस महीने का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने वहां से पहले यूज किया, बाकी जो बैलेंस बचा आपने वो कैश से पे किया। यानी कि फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आपने लायबिलिटी कितनी थी, आपने कितना क्रेडिट यूटिलाइज किया, एंड आफ्टर दैट आपने कैश बैलेंस फंड भी कितना यूटिलाइज किया। मैं यूटिलाइज वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज आपके पास कैश बैलेंस फंड हो सकता है कि एक्सेस होगा, बिकॉज आप कोई भी पेमेंट करते हो तो डायरेक्टली किसी लायबिलिटी के लिए पेमेंट नहीं करते हो, बल्कि आप वो कैश बैलेंस में ट्रांसफर करते हो, कैश बैलेंस से वो पर्टिकुलर लायबिलिटी क्या होती है वहां से नॉक ऑफ होती है। तो ये भी हो गया आपका तीन अलग अलग लोग जो लेजर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, रिटर्न भी हमने देख लिया, पेमेंट भी देख लिया है, यूजर एंड सर्विसेज भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे माई एप्लीकेशन में जाना है बहुत सारे एप्लीकेशन से, माई सेव्ड एप्लीकेशन, डाउनलोड, सबमिशन, हॉलीडे लिस्ट, ये आप सारे के सारे चीजें, छोटी छोटी चीजें जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अब अगला टॉपिक है यहाँ पे, अगला टॉपिक जैसे हमने कैश लेजर देख लिया, क्रेडिट लेजर देख लिया, लायबिलिटी लेजर देख लिया, रिटर्न डैशबोर्ड, ये भी रिटर्न डैशबोर्ड भी देख लिया है, PMT09 चालान ये भी हमने कवर कर लिया, PMT09 चालान क्या होता है। अब हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे वेरियस रिफंड ऑप्शंस। रिफंड यानी कि आप एक्सेस पेमेंट गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम कर सकते हैं, यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है रिफंड। रिफंड में एप्लीकेशन फॉर रिफंड, रिफंड प्री एप्लीकेशन फॉर्म, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस,
my saved application, track status of invoice data to be shared with ICGate in case of export. अगर आप export के केस में refund लेते हो, goods के केस में, तो ICGate पे आपका invoice details share करना पड़ेगा. Intimation on account of refund not received. अगर अब तक आपका refund नहीं आया, तो आप intimation कर सकते हो, update कर सकते हो. लेकिन सबसे simple तरीका जो आपको सबसे पहला step आता है, वो आता है application for refund. एप्लीकेशन फॉर रिफंड में जाते हैं, तो आपको रिफंड जो क्लेम करना है, तो रिफंड क्लेम करने के लिए यहाँ पे आपके पास वेरियस ऑप्शंस है. इसमें से आपका जो रीजन आपको आपके एप्लीकेबल है, आपको वो सेलेक्ट करना है. रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार मैं पेमेंट करता हूँ और हम लोग को दिखता है कि बैंक से फेल हो गया है, लेकिन एक्चुअल में पैसा बैंक से चार्ज हो जाता है और वो एक घंटे बाद पोर्टल पे वापस रिफ्लेक्ट करता है. तो वो हम क्या करते हैं, इमीडिएट बेसिस पे सेकंड पेमेंट भी करते हैं, तो ऐसे केसेस में डबल पेमेंट हो जाता है. तो वो जो बैलेंस पड़ा हुआ है, आप उसको एज अ रिफंड के तौर पे क्लेम कर सकते हो. रिफंड ऑफ आईटीसी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज विदाउट मेकिंग ऑफ पेमेंट. जहां पे आपका जो गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो, दैट इज विद द टैक्स, एक्सपोर्ट कर रहे हो विद आईजीएसटी, उस केस में अगर आपको रिफंड क्लेम करना है, तो आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के केस में है. रिफंड ऑन आईटीसी ऑफ आईटीसी अमाउंट ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर. थियरी पार्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल का जो जीएसटी रेट होता है हाइयर होता है एज कम्पेयर टू फाइनल प्रोडक्ट. तो ऐसे केसेस में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है रॉ मटेरियल का, वो एक्यूमुलेट होके ज्यादा हो जाता है. उसका फॉर्मूला क्या है, वो हमने थियोरेटिकल पार्ट में डिटेल में डिस्कस किया है. ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड बाई रिसिपियंट ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट, रिफंड ऑफ अकाउंट ऑफ सप्लाई सेज, एक्सपोर्ट सर्विसेज विद द पेमेंट ऑफ टैक्स, ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड, एनी अदर एक्सेस पेमेंट, ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट प्रोविजनल. यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए जो जनरली यूज होते हैं. सबसे सिंपल जो पहला ऑप्शन में एग्जांपल के तौर पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ करना क्या है. हर एक केस में आपको ऑप्शंस दिखेंगे, फिलअप करना है. आपको यहाँ पे क्लिक करना है रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रिएट रिफंड. क्रिएट रिफंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को हमें फिल करना है. मेरे पास यहाँ पे कैश कितना पड़ा हुआ है, सी मेरे पास कैश बैलेंस कितना है यहाँ पे. अब मेरे पास कैश बैलेंस कितना वही मैं क्लेम कर सकता हूँ. जैसे कि मेरे पास आईजीएसटी में एक रुपए का फीस बैलेंस पड़ा हुआ है. अब आपके पास जितना बैलेंस है उतना ही एक्सेस आप विड्रॉ कर सकते हो. एंटर द अमाउंट ऑफ रिफंड विच एवर इज लोअर और इक्वल टू अमाउंट इन कैश लेजर. यानी कि जितना कैश बैलेंस है उससे एक्सेस पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते. रिफंड कितना क्लेम करना, मुझे एक रुपया रिफंड क्लेम करना, जो कि पैसा किसके अंडर में है, फीस के अंडर में है. तो ये एक रुपया का बैलेंस है, मैं इसको सबमिट नहीं करूंगा. लेकिन चलो ठीक है, आपका जो बैंक अकाउंट आपने अपडेट किया है अपना पोर्टल पे, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट कुछ डिटेल है तो आपको एंटर करना है, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल और सेव. सेव करने के बाद यहाँ पे आपका सारा का सारा प्रोसीड, आई हियर बाय डिक्लेयर. मैं ओटीपी के साथ सबमिट नहीं करूंगा, बिकॉज सिंपल है, ओटीपी अगर सबमिट कर भी दूंगा तो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में इमीडिएट हिट नहीं होता है, वो थोड़ा टाइम लेगा. विद इन वर्किंग आवर के अंदर आपका जो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा विद ईवीसीआर, सबमिट कर देना है. तो अगर आपने सबमिट कर दिया, पैसा नहीं आ रहा है, आपको टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे आप सर्विसेज में जाके यूजर सर्विसेज में, जैसे रिफंड के सर्विसेज में इंटीमेशन ऑफ अकाउंट ऑफ रिफंड नॉट रिसीव आपको अपडेट कर देना है. तो वापस मैं चलता हूँ एप्लीकेशन फॉर रिफंड. जैसे कि पहला ऑप्शन देख लिया, सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं. जैसे कि यहाँ पे रिफंड ऑफ आईटीसी, रिफंड ऑफ आईटीसी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई मेड. किसी भी तरह का कोई भी एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद द पेमेंट ऑफ टैक्स एग्जाम्पल, और मुझे ये अप्लाई करना है. यहाँ पे क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन जहां पे मुझे एप्लीकेशन ऑप्शन मिलेगा वही मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ. यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो मैं क्लिक कर सकता हूँ, ये ऑप्शन आ रहा है हाँ तो बिल्कुल क्लिक कर सकता हूँ. लेकिन मुझे कौन से पीरियड का, लेट से जनवरी 2000 से लेके फरवरी 2020, क्रिएट रिफंड, काइंडली फाइल रिफंड एप्लीकेशन ऑफ अप्रैल 2019 दिसंबर ना बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ जनवरी 2020. कहने का मतलब हो गया, आपको प्रीवियस पीरियड का पहले क्लियर करना होगा. आप अगर प्रीवियस पीरियड का रिफंड आपने क्लेम नहीं किया है, तो until and unless आप आगे का क्लेम नहीं कर सकते हो. तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन के साथ में आप जो भी रिटर्न फाइलिंग करना चाहो रिफंड के लिए आप बिल्कुल कर सकते हो. मैं साथ साथ में क्लोज करने से पहले यहाँ पे सर्विसेज के अंडर में
यूजर जो रिफंड के एप्लीकेशन में माई सेव्ड एप्लीकेशन ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, लेकिन यहाँ पर आता है ट्रैक स्टेटस ऑफ इनवॉइस डेटा टू बी शेयर्ड विद आईसी गेट। ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केसेस में होता है कि आपको जितने भी आपने एक्सपोर्ट किए हैं विद कार्गो शिपमेंट या फिर आपने जिस भी मोड से किए हैं, आपको अपने इनवॉइस कॉपी जो है पोर्टल पे अपलोड करनी होती है। यहाँ पे अपलोडेड में यहाँ पे दिखा रहा है सर्च रिजल्ट बेस्ड ऑन मंथ ऑफ अप्रैल, नो एक्सपोर्ट इनवॉइस फाउंड, आपने अभी तक एक भी एक्सपोर्ट इनवॉइस सबमिट ही नहीं किया है। तो क्या आपने टेबल 6A में जीएसटीआर 1 के फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आपका कोई इनवॉइसेस नहीं है? जब आपका इनवॉइस ही नहीं है तो फिर कैसे आप सबमिट कर सकते हो? तो एक काम करते हैं, मैं किसी पार्टी का लॉगिन करता हूँ दूसरे पार्टी का, जहाँ पे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस आप कैसे सबमिट कर सकते हो उसका एक जस्ट ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं। ओके फाइन, ये पार्टी का मैं लॉगिन कर रहा हूँ 6125-7261। पहले देख लेते हैं हमने क्या एक्सपोर्ट किया है, तो कौन से टैब में किया वो इम्पोर्टेंट है। रिटर्न डैशबोर्ड, रिटर्न डैशबोर्ड फॉर द मंथ ऑफ लेट्स से 2021 में अगर मैं देखूं अगस्त महीने में, तो क्या अगस्त महीने में नहीं, अगस्त में सितंबर में, बिकॉज यहाँ पे क्वार्टरली फाइलिंग होती है। सितंबर में व्यू जीएसटीआर 1, क्या कोई टेबल 6 में एक्सपोर्ट इनवॉइस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो जून में देख लेते हैं, दैट इज अप्रैल 2020 में, अगर अप्लीकेबल है तो ही मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जून 2020 GSTR 1 एक्सपोर्ट इनवॉइस नहीं, यहाँ पे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस नहीं है। यहाँ पे जो आपका एक्सपोर्ट इनवॉइसेस रहेगा उसी के लिए आपको रिफंड क्लेम करने के लिए वहां पे जो भी इनवॉइसेस का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, चाहे शिपिंग बिल डिटेल हो, चाहे आपका पोर्ट कोड नंबर हो, कार्गो बिल हो, डिटेल हो, वो आपको डिटेल वहां पे सबमिट करनी पड़ती है। सबमिट करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो रिफंड के लिए। सी यहाँ पे जो ऑप्शन था रिफंड में, रिफंड जब तक आप ये सबमिट नहीं करोगे तो एप्लीकेशन फॉर रिफंड में जो एक्सपोर्ट रिलेटेड है आइटम, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट रिलेटेड है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, रिफंड ऑफ आरटीसी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, जब तक कि आप ये सेलेक्ट नहीं कर दोगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन हाईलाइटेड है लेकिन यहाँ पे आपको पीरियड के बाद ये क्रिएट रिफंड ऑप्शन सेलेक्ट करने को नहीं आता है। जो रिस्पेक्टेड फील्ड तभी आप सेलेक्ट कर सकते हो जब अब तक आपने उसके प्रायर पीरियड का रिटर्न या फिर एप्लीकेशन फाइल ना किया हो। तो ये रहा आपका रिफंड प्रोसेस, जहाँ से हम अपने एक्सेस बैलेंसेस को, एक्यूमुलेटेड आईटीसी अमाउंट को रिफंड के तौर पे एज अ क्लेम कर सकते हैं। सो ये हो गया अपना टॉपिक खत्म, जहाँ पे हमने चालान्स, रिटर्न, रिटर्न रिलेटेड जो DRC-03 चालान, डैशबोर्ड, वॉलेट लेजर, क्रेडिट लेजर, लायबिलिटी लेजर, ये सारे के सारे लेजर्स के साथ साथ में हमने रिफंड कैसे क्लेम करना है, उसका प्रोसेस क्या है, वो डिटेल में हमने समझा जाना। फॉर एनी फर्दर क्वेरी रिलेटेड, बहुत सारे ऑप्शंस उसमें ऐसे छोटे छोटे ऑप्शन जो आप अपने खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आप बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको एक्सप्लोर करते वक्त किसी तरह की कुछ क्वेरीज होती है, कुछ डाउट्स होते हैं, तो यस वी आर अवेलेबल ऑन दिस गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू।